This is the occipital bone of the skull. Basically, if you talk about the boundary of this bone, it's extend from here. नहीं गलत कर दिया. This. Oh yeah. ये. Foramen को include करो. हाँ. कर लिया. कोई बात नहीं दोबारा कर देते हैं. ये ऐसे. गलत. ये ऐसे. हाँ. ऐसे सही है इतना. अरे अब इतना भी मत करो यार. यहाँ से फिर ये नीचे गलत. अरे सही जा रहा है यार. ऐसे ऐसे ये पूरे बात ठीक है. अब उसके बाद इसके तीन पार्ट होते हैं. एक होता है सुपर हॉस्पिटल पार्ट, एक होता है लेटरल पार्ट और एक होता है बेसिलर पार्ट. सबसे पहले हम बनेंगे लेटरल पार्ट. जो ये लेटरल पार्ट है ना, इसमें सबसे पहले हमें दिखेगा ये ऑसिपिटल कंडाइल्स जो कि पेयर स्ट्रक्चर्स हैं. उसके बाद इसके बीच में होगा ये फोरामेन मैग्नम. इस ऑसिपिटल कंडाइल के दो पार्ट होंगे, एक होगा अपर पार्ट एक लोअर पार्ट डिवाइडेड बाय रिज. जो अपर पार्ट होगा वो वाइडर होगा, लोअर जो होगा वो नैरोअर होगा. और जो लोअर होगा ना वो आपस में जुड़ेंगे बाय दिस ऑसिपिटल क्लेफ्ट, इंटरकॉन्डिलॉइड क्लेफ्ट. दिस इज नॉन एन इंटरकॉन्डिलॉइड क्लेफ्ट, जहाँ से दो ऑसिपिटल कंडाइल्स आपस में जुड़ेंगे. उसके बाद ये है दूसरा प्रोसेस जो कि है पैरामेस्ट्रॉइड प्रोसेस. पैरामेस्ट्रॉइड प्रोसेस जो है वो बेसिकली अगर देखा जाए तो कैसे है, डाउनवर्ड है, बैकवर्ड है और कर्व्ड इनवर्ड्स. सो डाउनवर्ड बैकवर्ड्स एंड कर्व्ड इनवर्ड्स. उसके बाद नेक्स्ट ये ज्वाइन करेगा टुवर्ड्स विद दिस ऑसिपिटल कंडाइल, अपर पार्ट ऑफ द ऑसिपिटल कंडाइल विद द हेल्प ऑफ दिस कॉन्डोलॉइड फोसा. और यहाँ पर एक होगी, यहाँ पर होगी एक कॉन्डोलॉइड नॉच. ठीक है. अब उसके बाद बेसिकली यहाँ पे हमें देखेंगे इस कॉन्डोलॉइड फोसा में तो दो हमें दिखेंगे फोरामेंस. ठीक है. एक फोरामेन जो हमें दिखेगा वो दिखेगा हमें बॉर्डर ऑफ दी ऑसिपिटल कंडाइल, दिस इज नोन एज हाइपोग्लोसल फोरामेन. दिख रहा है. ठीक है. और इसके अपवर्ड साइड में हमें दिखेगा कॉन्डोलॉइड फोरामेन. ये दोनों फोरामेंस कहाँ पे खुलेंगे, टेम्पोरल कैनाल में. उसके बाद ये हो गया आई थिंक लेटरल पार्ट कंप्लीट हो गया. उसके बाद नेक्स्ट हम चलेंगे इसके सुपरा ऑस्पिटल पार्ट. जो ये सुपरा ऑस्पिटल पार्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बाद में सुपरा ऑस्पिटल पार्ट जो है यहाँ पे एक प्रोट्यूबरस दिखेगा, जिसे बोलते हैं एक्सटर्नल ऑस्पिटल प्रोट्यूबरस. ठीक है. इस एक्सटर्नल ऑस्पिटल प्रोट्यूबरस के वेंट्रल साइड पर जब हम आएंगे तो हमें दिखेगा मीडियल ऑस्पिटल लाइन या मीडियल हॉस्पिटल क्रेस्ट. ठीक है. यहाँ पे ये अभी दिख नहीं रहा, ये एक्सटेंड्स अप टू द फोरामेन मैग्नम. उसके बाद इस सुपरा हॉस्पिटल पार्ट के डोर्सो लेटरल पार्ट में हमें दो फोरामेन दिखते हैं, एक यहाँ पे और एक ये फोरामेन होता है यहाँ पे पूरा मैस्टॉइड फोरामेन. ठीक है. उसके बाद इसका आ जाते हैं बेसिलर पार्ट पे. बेसिलर पार्ट पे जब सबसे पहले हम आएंगे तो हमें अगर बात करें तो यहाँ पे दो ट्यूबरकल्स दिखते हैं जिसे हम बोलते हैं बेसिलर ट्यूबरकल्स. ठीक है. और ये आगे जाके जुड़ते हैं टू द पोस्ट स्फेनॉइड बोन. ठीक है. एंटीरियर पार्ट ऑफ द पोस्ट स्फेनॉइड बोन्स के साथ ही जुड़ते हैं. उसके बाद यहाँ पे हमें दो फोरामेंस भी देखने को मिलते हैं जिसे बोलते हैं हम लेसर फोरामेन लेसरम या जुगलर फोरामेंस. इन फोरामेंस की जो मीडियल साइड होती है वो बनाती है लेटरल साइड ऑफ द बेसी ऑस्पिटल बोन. बेसी ऑस्पिटल बोन की लेटरल साइड फॉर्म्स द मीडियल साइड ऑफ द वही बोला बाउंड्री ऑफ द फोरामेन लेसरम. ठीक है. और इसकी फोरामेन लेसरम की जो लेटरल है वो कौन बनाएगा, टिम्पैनिक बोला. ठीक है. और उसके बाद इसका अगर हम और बात करें यहाँ पर फोरम बेसिलर पार्ट में एक और लॉज करेगा स्ट्रक्चर से बोलते हैं मेडुला ऑब्लॉन्गेटा. और बेसिलर पार्ट क्या होता है, बेसिलर पार्ट क्या होता है, फॉरवर्ड अपवर्ड एंड ऑब्लिक. फॉरवर्ड होगा, ये देखेंगे हम उसको, ये फॉरवर्ड होगा, ऑब्लिक होगा और अपवर्ड की तरफ जा रहा होगा. ठीक है. उसके बाद यहाँ पे हमें दिखेगा एक पैराइटल क्रेस्ट. अरे पहले यहाँ पे सबसे पहले इस एक्सटर्नल ऑस्कुलर प्रोट्यूबरस के ऊपर एक स्ट्रक्चर देखिएगा, पेयर स्ट्रक्चर से बोलते हैं हम इंटर पैराइटल बोन. उसके बाद ये इन प्रोमिनेंट नहीं होता. ठीक है. उसके बाद यहाँ पे ये हमें दिख रहा है, ये है पैराइटल बोन. और इसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है हॉरिजॉन्टल पार्ट एक होता है वर्टिकल पार्ट. जो हॉरिजॉन्टल पार्ट होता है वो स्मॉल होता है, वर्टिकल पार्ट जो है वो लार्ज होता है. जो वर्टिकल पार्ट जो होगा यहाँ से एक राइट एंगल फॉर्म करता है जिसको बोलते हैं पैराइटल क्रेस्ट. और जो ये रफ पार्ट जो हमें दिखाई दे रहा है ये है पैराइटल और वर्टिकल पार्ट ऑफ द पैराइटल.